सो दोस्तों एक बार फिर हम लोग सीएनबीसी आवाज के जो कल का खिलाड़ी आज सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे। 15 अक्टूबर का ये वीडियो है जिसमें इन्होंने 4 शेयर्स के बारे में जिक्र किया है कि कल जबरदस्त भागने वाले हैं ये 4 शेयर। और इतना जब ये बात करते हैं तो इतना कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं, इतने तरीके के जो भी न्यूज़ हैं उनको फ्लैश आउट करते हैं कि लोगों को ये लगने लगता है कि डेफिनेटली ये शेयर कल भागेगा। और इनका जो वीडियो बनाने का जो टाइम है, जो इस कल के खिलाड़ी आज जो भी ये बताते हैं इसका जो टाइमिंग है वो लगभग 2:30 का टाइम होता है। और आप समझ लीजिए 2:30-3 o'clock के बाद जो प्रॉफिट टेकिंग आती है उससे पता चलता है कि कहाँ तक स्टॉक जा चुका है और कहाँ पर आकर कंसोलिडेट होकर बंद हो रहा है। ठीक है, अगले दिन क्या होने वाला है ये भी इनको पता होता है, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको चार्ट स्ट्रक्चर के थ्रू कि क्यों इन लोगों को पता होता है कि स्टॉक में अब रेजिस्टेंस आ चुका है और स्टॉक अब नीचे की तरफ जाएगा आने वाले दिनों में, यानी कि कल और उससे आगे दिनों में नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये 2:30 पे उन स्टॉक्स को हायर वैल्यूज पर लोगों को सजेस्ट करते हैं ये कह के कि कल जबरदस्त भागने वाले हैं ये 4 शेयर। सीएनबीसी आवाज कल का खिलाड़ी आज 0। चलिए आइए देखते हैं और चार्ट के थ्रू बताऊंगा। ये इन्होंने 4 शेयर्स बताए थे, एंड्रयूल डाइवर्सिफाइड सेक्टर का है, हरिया माल्या, ठीक है, हर माल्या ये प्लांटेशन और रबर सेक्टर का है, जयश्री टी प्लांटेशन और रबर, ये भी प्लांटेशन और टी कॉफी सेक्टर का है, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर का है। तो एंड्रयूल पर बात करते हैं सबसे पहले, इसके चार्ट को खोलते हैं हम लोग। 15 अक्टूबर 2018 को ओपन हुआ था 20 रुपीज़ 45 पैसा पे, हाई गया था 23 रुपीज़ 25 पैसा पे, लो गया था 19 रुपीज़ 90 पैसा पे और क्लोजिंग आई थी 23 रुपीज़ पे। ठीक, उसके बाद 16 अक्टूबर को इसने एक कैंडल फॉर्मेशन किया जो कि स्प्रिंग टॉप का कैंडल फॉर्मेशन था, जो कि बताता है कि आने वाले दिनों में वीकनेस। हालांकि ये कैंडल ऊपर की तरफ खुली और ऊपर की तरफ ही बंद भी हुई थी 16th को, यानी कि 25 रुपये 50 पैसे 25.50 का हाई मार के जो क्लोजिंग आई थी 24.15 की क्लोजिंग आई थी। लेकिन 17th को एक भारी गिरावट आई और स्टॉक ने 22 रुपीज़ 10 पैसे पे क्लोजिंग दिया और आज 21.7 पैसे पे क्लोजिंग इस स्टॉक में आया है। स्टिल वीकनेस स्टिल बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जब चार्ट में दिखाता हूँ तो ये देखिए ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। आप यहाँ पर देखेंगे इसको तोड़ा इस रेजिस्टेंस जोन को तो ये नीचे की तरफ सीधे कहाँ गया, 18 रुपीज़ तक गया। इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की बट एक फॉल्स ब्रेकआउट आया और फॉल्स ब्रेकआउट के बाद टच करने के बाद हायर 24 रुपीज़ 18 पैसा टच करने के बाद 21.70 पे ऑलरेडी लगभग 3 रुपीज़ नीचे आ चुका है। ठीक है, ये अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे ये 22.17 जो इसका सपोर्ट लेवल था ये भी इसने तोड़ दिया है, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तकरीबन जो इसका आएगा वो लगभग 20 रुपीज़ 50 पैसा के आसपास आएगा। तो अभी 1 रुपये की और गिरावट एंड्रयूल के अंदर संभव है। और इन्होंने जब बताया था तो इन्होंने जो लेवल बताए थे वो रेजिस्टेंस वाले लेवल थे। तो हमेशा याद रखिए जब भी कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है तो आप उसको वेट कीजिए, रेजिस्टेंस के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग आने दीजिए। जब एक बार प्रॉपर देखिए, जब आप लाइन चार्ट में देखेंगे, जब आप लाइन चार्ट में देखते हैं तो आपको नजर आता है कि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक, लेकिन जब आप कैंडलस्टिक में देखते हैं तो आपको एक्चुअल फिगर पता चलती है कि एक्चुअल में जो ट्रेडर्स हैं उनका सेंटिमेंट्स क्या है। देखिए आप इसमें देखिए हायर वैल्यू कहाँ तक गई थी, 25.50 तक रेड की कैंडल बनी है, एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना है, वीकनेस इंडिकेट कर रहा है, आप इसको स्प्रिंग टॉप भी कह सकते हैं। और उसके नेक्स्ट डे आप देखेंगे रेड कैंडल जो कि एक अबेंडेंट बेबी की कैंडल बनी थी। अबेंडेंट बेबी बोलते हैं जो कि प्रीवियस कैंडल से गैप अप में ओपन होता है, या आप कह लीजिए कि इवनिंग स्टार। ठीक है, तो अब इसमें एक गिरावट का दौर आया। देखिए यहाँ से जब एक गिरी ये कैंडल एक बनी, इसने एक बियर्सनेस यानी कि एक वीक पैटर्न को इंडिकेट किया और यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल, देन अगेन एक छोटी कैंडल बनी है रेड में। और अभी फिलहाल स्टिल चांसेस है क्योंकि जो कि अब ट्रेंड जो है बुलिश नहीं है, ट्रेंड बियरिश है। इस कैंडल की क्लोजिंग से नीचे की क्लोजिंग इस कैंडल में थी और आज की कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल से नीचे खुली, नीचे ही बंद हुई है। तो अभी भी बियरिशनेस है और मार्केट में अभी 1 रुपये की गिरावट एंड्रयूल में और संभव है। ठीक है,
लगातार तीन दिन से गिर रहा है, 15 तारीख के बाद लगातार तीन दिन तक हायर ओपन हुआ, लोअर क्लोजिंग आई। उसके बाद हरमाल्या, हरमाल्या प्लांटेशन और रबर का सेक्टर का स्टॉक है, इसमें 15 अक्टूबर का जो हाई टच किया था वो टच किया था 96 रुपीज़ का, ओपन हुआ था 86.65 पे, हाई टच किया 96, लो टच किया 85 और क्लोजिंग आई 92.55 पे। और इसी दिन उन्होंने बताया कि भैया कल से ये स्टॉक जबरदस्त भागेगा, इसने भी एक स्पिनिंग टॉप मेंटेन किया, आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल स्पिनिंग टॉप की है, स्पिनिंग टॉप मेंटेन किया, इंडिकेशन आया कि भैया 16 तारीख के बाद 17 को ये स्टॉक गिरेगा, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कैंडल्स की, जब आपको इंडिकेशन देते हैं बेरिश पैटर्न की तो इस तरह की कैंडल्स बनती हैं। अब स्प्रिंग टॉप आया, गिरेगा, ये गिरा यहाँ से, आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल बनी, आज भी ग्रीन में जरूर रहा लेकिन कल के मुकाबले बेरिश पैटर्न है, क्योंकि कल की ओपनिंग से नीचे की ओपनिंग और नीचे की ही क्लोजिंग है, कल क्लोज हुआ था 87.85 पर, आज क्लोजिंग आई 86.90, प्रीवियस डे की कैंडल थे, नीचे की क्लोजिंग है, तो ये बेरिशनेस को इंडिकेट करता है। इसमें भी आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर देखिए कितना मजबूत रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये टूटा, देन उसके बाद 80 रुपीज़ का लेवल आया, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया, ये टूटा, देन उसके बाद नीचे की तरफ आया, टूटा और यहाँ पर नीचे की तरफ बॉटम बनाया, 82 का लेवल आया, फिर कोशिश किया, यहाँ पर इन्हें अपसाइड दिया, यहाँ अपसाइड देने के बाद ऊपर गया तकरीबन 106 के लेवल पर, और उसके बाद इस डेट में लगभग 21 सितंबर को फिर से इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा इसने, और बॉटम कहाँ टच किया इसने, 76.40 का लेवल, ठीक है, अगेन कोशिश किया इसने 95 के ऊपर की क्लोजिंग देने के लिए डेली चार्ट पे, लेकिन नहीं दे पाया, वापस नीचे की तरफ आ गया, कहाँ सपोर्ट लेगा ये देखने की बात है, सपोर्ट इसका लगभग 83 रुपीज़ के आसपास रह सकता है, यानी अभी भी चांसेज है 2-3 रुपये और गिरने की हिमालया, आप जो कि प्लांटेशन और रबर सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था, रेजिस्टेंस पे पहुँच गया था और वहाँ पर उन्होंने ठीक रेजिस्टेंस पे जाके रिकमेंड किया बाय को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेशन तब आती है जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ, तब बाइंग पोजिशन बनती है, और जो रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है उसको सपोर्ट मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक गलत यू नो कॉल था जयश्री टी, इसके बारे में बताऊंगा, ये भी आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फरवरी के बाद इन्हें दो बार टॉप बनाया 103 के लेवल पर, दोनों बार टॉप बनाया और दोनों बार सक्सेसफुल नहीं हुई उसको तोड़ने के लिए, पहली बार जब टॉप बनाया 29 अगस्त को तो उसके बाद बॉटम बनाया था 92.93 का लेवल, उसके बाद फिर ये गया लगभग 18 सितंबर को जब इसने 103 का लेवल टच किया, और उसके बाद इतना बॉटम बेस बनाया 81-82 रुपीज़ के आसपास, इसके बाद अगेन ये ट्रिपल टॉप बनाने गया, ट्रिपल टॉप को नहीं तोड़ पाया, वीकनेस आई, स्टॉक 89 रुपीज़ पे आ गया, और अब स्टॉक का जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो 87 रुपीज़ का है, 87-86.50 का है, और अगर वो टूटता है तो स्टॉक वापस आपको 82 रुपीज़ के आसपास दिखाई देगा जयश्री टी। तो ये जयश्री टी में एक गलत कॉल थी जो कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट से पहले ही आ गई, रेजिस्टेंस के लेवल पर उन्होंने कॉल दे दी और वहां से रिवर्सल आ गया, और अल्टीमेटली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, जो इंट्राडे ट्रेडर्स थे, उन्होंने एक बड़ा नुकसान इस स्टॉक के अंदर अब लेना पड़ेगा डेफिनेट है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो 15 जो अक्टूबर की डेट है आप देखेंगे इसके यहाँ पर उन्होंने कहीं लोगों ने खरीदा होगा 108 या 106 के लेवल पर, इस डेट में खरीदा होगा 16 को हायर वैल्यू पर, अभी 89 चल रहा है, और मुझे लगता है कि दो ही पैटर्न है, या तो इन तीनों कैंडल्स को कवर करती हुई एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए नेक्स्ट वीक मंडे को, अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनकर इन तीनों कैंडल को कवर करती है देन बुलिशनेस आएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ देन स्टॉक आपको 83-84 के लेवल तक वापस लेके जा सकता है मिनिमम, ठीक। फिलहाल सजेशन के बाद जब भी इन्होंने रिकमेंड किया तो उसके बाद लगातार तीन दिन गिरा, जबकि इन्होंने ये साफ साफ बोला है कल जबरदस्त भागेंगे ये चार शेयर, ठीक है। तो ये बात है, उसके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात आती है, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक में ये देखिए यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 144.94 का है, 144.94 का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से इसने जब क्रॉस किया था तो लगभग 8 अगस्त को क्रॉस किया और अपना हाई टच किया तकरीबन 171 रुपये का, 171 का हाई टच करने के बाद जो टूटी है इसकी वैल्यू वो उसके बाद तोड़ने के बाद लगभग 117 रुपये आया, 117 के बाद वापस इन्हें ट्राई किया 145 को ब्रेक करने का,
नहीं तोड़ पाया, 126 पे ट्रेड कर रहा है। और ये भी 15 तारीख को आप देखेंगे इसने कोशिश की थी 147 के ऊपर, 147 रुपए का हाई मारा, लेकिन क्लोजिंग कहाँ थी 142.90, यानी 144-145 का स्तर ये नहीं तोड़ा और वीकनेस आ गई। ठीक है, सो स्टिल इसमें भी चांसेस हैं कि अगर मार्केट और वीकनेस इंडिकेट करता तो 117 से 120 का लेवल आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक में भी अगले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकता है, बिकॉज नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वीक है। जब नेक्स्ट वीक एक्सपायरी आएगी तो उसमें अगर दबाव रहा, प्रेशर रहा निफ्टी में, तो थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। वीडियो को बनाने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, कभी भी आप कॉल बेस पे जाइएगा, बिल्कुल देखिए कोई गारंटी नहीं है मार्केट गिर रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि मार्केट जब प्रेशर में होता है तब आप इतनी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कल भागेगा। आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से स्टॉक को बता सकते हैं कहाँ पर खरीदना है, किन लेवल्स पर खरीदना है, आप एटलीस्ट वो तो बताइए। आप आज का प्राइस बताते हैं 16% ऊपर का और आप कहते हैं कल भी जबरदस्त भागेंगे, इस बियरिश मार्केट के अंदर अगर 16% भाग गया कोई स्टॉक, 15% कोई स्टॉक भाग गया एक डेट में, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल भी जबरदस्त भागेंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं है। ठीक है, क्यों? रीज़न, इस तरह की सिचुएशन में आप कभी भी इंट्राडे नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। इंट्राडे तब किया जाता है जब मार्केट ट्रेंड में चल रहा होता है, आइदर बुलिश ट्रेंड में या बियरिश ट्रेंड में, हमें पता है कि मार्केट में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट ओवरऑल नॉर्मल चल रहा है, तो हमें पता होता है आज भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम इंट्राडे ट्रेड लेते हैं। लेकिन जब मार्केट में जिगजैग होता है, हायर वॉलेटिलिटी होती है, तब कभी भी इंट्राडे कॉल नहीं ली जाती है, ना ही सजेस्ट की जाती है। ये चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। और एक और मुझे अफसोस की बात लगती है, वो ये लगती है कि बहुत सारे YouTube चैनल अब इस चीज़ पर उतर आए हैं कि वो CNBC आवाज़ है, जी बिजनेस की कट पेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मुझे इस बात का से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितना पैसा कमा रहे हो, डजेंट मैटर, आप खूब पैसा कमाओ, मैं कहता हूँ, लेकिन आप दूसरे को धोखा दे रहे हो। आप मेहनत करो ना अपनी, आप क्यों नहीं अपनी मेहनत करते? आप कट पेस्ट लगा रहे हो CNBC आवाज की, आप कट पेस्ट लगा रहे हो जी बिजनेस की, यानी कि एक तो ऑलरेडी वो TV पर लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जहां पर लोग रहसा YouTube पे आके कुछ वीडियोस को देख के अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां पर भी वही कट पेस्ट यूज़ कर रहे हो, देन डेफिनेटली कुछ समय तक आप लोग रिकवर कर सकते हो, आप लोग ऊपर जा सकते हो, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, चूँकि आप दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट हो, आप अपने एनालिसिस पर डिपेंडेंट नहीं हो, तो आपको धोखा हो सकता है और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा, प्लीज़ आप अपने एनालिसिस पर काम कीजिए, आप इस तरह के फेक वीडियोस को अपलोड ना करें, क्योंकि ये CNBC आवाज और जी बिजनेस की कट पेस्ट आपको कुछ दिन के लिए तो व्यूज़ दे सकती है, बट ओवरऑल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छी कमाई नहीं कर पाएंगे, आई एम डैम श्योर, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। खैर, हर किसी का अपना सोच है, हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि आप लोग जब भी एंट्री लें तो प्लीज़ या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप लेबल्स के बारे में एक बार इंक्वायर कर सकते हैं कि क्या सही लेबल्स हैं। मैं एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या ये बेटर लेबल हैं, आप इन लेबल्स पर एंटर कर सकते हो या अभी आपको रुकना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर जो भी डिसीजन होगा वो आपका अपना होगा। खैर, अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप इन 4 स्टॉक पर जरूर नज़र बनाइए और देखिएगा कि ये 4 स्टॉक आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जो लोग CNBC आवाज़ और जी बिजनेस की कट पेस्ट या उनके चैनल्स को देखते हैं, आज का कल का खिलाड़ी आज को और शेयर्स को खरीदते हैं, उनको पता चल जाएगा कि उनकी रियलिटी और सच क्या है।